भाई आप लोगों को मैं हिमालय पर्वत दिखाता हूँ यहाँ से, बड़ा ही जबरदस्त दिख रहा है। धूप में नहीं पिघलती भाई साहब, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, धूप में नहीं पिघलती हमारी बर्फ ना, धूप में पिघल जाए तब तो खत्म हो जाए एक दिन में, धूप में नहीं पिघल पाते सब, टेम्परेचर मेंटेन होता ना, बाहर हवा ठंडी है ना मेरे भाई, ये कहाँ से पिघलेगी, टेम्परेचर डाउन है, ये तो अंदर लग रहा हमारे को भाई बढ़िया टेम्परेचर है। बर्फ कहाँ जमती है, फ्रिज में, फ्रिज में डीप फ्रिज में। मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। और यार ये ब्लॉग तो यार बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था, क्योंकि जो इससे नेक्स्ट पार्ट जाने वाला है बहुत ही खतरनाक आने वाला है। फिलहाल अभी हम कुफरी के अंदर जा रहे थे, रास्ते में एक बहुत ही ज़बरदस्त सुंदर नज़ारा मिला हमें देखने को, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, आप लोग भी देखो। इस पूरे का नाम जो आप देख रहे हो, इसका नाम है ग्रीन वैल्यू। मैं आपको अच्छे से जूम कर दिखा देता हूँ, मतलब यार क्या हरियाली है, ये सारे देवदार के पत्ते हैं, सॉरी पेड़, गिरता हुआ देखना ना कभी, तो अभी भी गिरेगा, पर अब गिरेगा 3-4 तारीख के बाद, अगले महीने ना जो नेट बता रहा ना, फिर कभी आना हो तो मेरा नंबर ले जाना। तो फाइनली गाइस, जिस चीज का इंतजार था यार वहां पहुंच चुके हैं। ये दिख रही है आप लोगों को बर्फ, मतलब यार जबरदस्त नजारा, ठंड भाई साहब फुल पड़ रही, दबा के धूप भी निकल रही है, ठंड भी पड़ रही है, बताओ दीपक मजा आ रहा है। आप लोगों को बर्फ दिखाता हूँ, देखो बर्फ कैसी है, ये देखो। ओ भाई मतलब यार हाथ भी कड़ी ठंडी हो गए, बिल्कुल कुल्फी जम गई, बड़ा यार मजा आ रहा है सच में यार, एक नंबर का। ये क्या जूते में बर्फ पड़ गए। आप लोगों को मैं हिमालय पर्वत दिखाता हूँ यहाँ से, बड़ा ही जबरदस्त दिख रहा है यार, देखो वो आप लोगों को सामने दिख रहा होगा इसे, उसके बाद चाइना का बॉर्डर लगता है, क्या खूबसूरत नजारा है यार। अरे भाई ये देखो, मतलब ठंड यार बहुत ज्यादा पड़ रही है, ये लगा दो अच्छे ज्यादा ठंड हो रही है यहाँ पे, दिखाता हूँ नीचे, बहुत मजा आ रहा है। घूमने का भाई साहब, पैर तो बिल्कुल को सुन हो गए, बिल्कुल सुन, जिसको बोलते हैं बर्फ, देखो यार कितनी ठंडी है, देख
ये देख यार, टेस्ट करके बताता हूँ कैसी लग रही है। बिल्कुल भाई ठंडा हो गया मुँह यार, ये लगा लो ठंड तो लगी जाएगी यार। नजारा देखो यार सच में यार, क्या जबरदस्त आ रहा है, व्हाइट फील आ रहा है भाई, ठंडा ठंड हो रही भाई। दीपक क्या करे यार, आप लोगों के लिए बताओ आप यहाँ आए। हाँ इतना कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, उसके पीछे भी हमारा बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आप लोगों को सब कुछ दिखाएंगे, बट अभी आप यार इस चीज को एंजॉय करो यार। आप में से किन किन लोगों को यार ऐसे एरिया के अंदर आना पसंद है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना यार। मुझे तो यार सच में बहुत ही मजा आ रहा है यार, ये लगा लो। एक छोटी सी बात बताता हूँ आप लोगों को, जिंदगी में यार हर एक इंसान के पास में दुख भी है, सुख भी है, सब कुछ है, बट जब यार खुशी का मौका है ना, तो भाई जी भर के जियो यार उस दिन को, चाहे एक मिनट का क्यों ना चाहिए, बट खुशी यार अच्छे से जियो उस चीज़ को। तो ये लगा वो खुशी हो रही है हमें आज भाई। दीपक मैं मजा आ जाएगा क्या हो गया? अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, एक बार जाने दे यार, जो होगा देखा जाएगा, मैं संभाल लूंगा, क्या होगा आखिर मर जाएगा। मरने के बाद कुछ नहीं, थोड़ा सा यार ठंड ज्यादा हो रही, थोड़ा धूप सेक लेते भाई, हम छाया में रुक गए थे गलती से, तो उधर चलते भाई। गाइस फिलहाल अभी थोड़ा आगे की तरफ मतलब की निकल रहे हैं थोड़ा और, तो यार नज़ारा देखो यार, थोड़ा धूप में थोड़ा सुकून मिल रहा है, क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा यार, हाथ पैर तो बिल्कुल ही सुन हो गया, सुन हो गए। अरे वो दोनों तो यार गाड़ी से बाहर ही नहीं निकल रहे, आराम से गाड़ी में बैठे भाई सब मस्त, हम तो गाड़ी से बाहर ही नहीं आएंगे, अंदर ही बैठे हैं, क्योंकि ठंड ऐसी ठंड के अंदर पहली बार आए तो यार थोड़ा तो दिक्कत होती है। बट यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ आप लोगों को, हिमालय पर्वत का। कभी ना कभी ऐसा दिन आएगा कि हम वहां भी जाएंगे, सच में क्या नजारा दिख रहा भाई, जबरदस्त। नीचे का व्यू देखो, एक अलग ही अंदाज है भाई, मतलब घर भी यार देखो कैसे बनाए हुए हैं, सच में यार बहुत मेहनत से। अब तो सोच लिया, अब तो उसके पार जाना है, इन दोनों पहाड़ों के पार, उधर उधर सिंधु शायद बता रहे थे कौन सी नदी है, तो वहाँ से हमें सब कुछ अच्छे से दिखता है। अलग ही अंदाज था यहाँ पर, अलग ही अंदाज, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारा आना हुआ है, तो जबरदस्त मजा आना। अबे सो रहा हूँ, ओके तो कुछ कहना चाहोगे? खाना खुना तो नहीं खाना तुमने? गाड़ी से थोड़ा उतर गए हैं, थोड़ा बाहर की साइड आया था मैं, यहाँ देखो मतलब चलने का रास्ता देखो, ठंड ठंडी हवा लग रही है, मतलब धूप तो यहाँ पर नामचारे की हो रही है, पैर भी जमा जमा कर टेकने पड़ रहे हैं मुझे तो। और भाई साहब यहाँ से नजारा देखो पीछे का, एक नंबर का व्यू आ रहा है। तो यार गाइस इस व्लॉग को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, तो आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा क्या बहुत ही अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना यार, आप लोगों के लिए यार मैं यहाँ आया हूँ, तो एक लाइक तो बनता यार। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, सब्सक्राइब करने से क्या होगा भाई, नेक्स्ट वीडियो जैसे कोई भी आएगी तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ ही जाएगा, ये देखना जा रहा। तो फिर गाइस मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय।